अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? तो दोस्तों, एक नया शिकार, नई वीडियो और नया झींगा आज गडानी आए दोस्तों, और हवा काफ़ी तेज़ है ना। तो बहरहाल जो भी शिकार होगा आपसे शेयर होगा आज का। आज जुमरात का दिन है और मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद 11 तारीख है आज। मामू आज 11 तारीख है ना? 11 तारीख है आज। तो 11 तारीख है, सातवां महीना है दोस्तों, और देखते हैं जो शिकार लगता है फिर इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे और झींगा आपको दिखाएं। अक्सर आप लोग कहते हो कि इमाम भाई झींगा दिखाया करें, तो झींगा भी आपसे शेयर करते हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त बड़ा झींगा है। और दोस्तों हाँ, अभी सबर, अभी डोर डाल रहे हैं, पता चलेगा फिर मैं बताता हूँ। चलो पहले एक दो डोरे डाल के देखते हैं ना, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, अभी सबर करो। तो दोस्तों फिलहाल अभी पहली डोर डालेंगे, देखते हैं यहाँ क्या रिज़ल्ट है। तो नई जगह है गडानी के अंदर, पहाड़ों के पास आएँ तो जो शिकार लगेगा फिर आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों अभी जो है ना एक ज़बरदस्त दाना लग गया है, और हमारे जो है ना हर दिल अज़ीज़ सरफराज भाई को लगे, और माशाल्लाह कुकड़ मैंने दूर से पहचान लिया था, कुकड़ लगाए और आधा किलो से ऊपर वाला दाना है दोस्तों, माशाल्लाह। तो बेहतरीन, डेढ़ फीट का है, आधा किलो से ऊपर है दोस्तों दाना, और फ्लैट हेड फिश कहते हैं इंग्लिश के अंदर, उर्दू में कुकड़ कहते हैं। तो ये गडानी का पहला दाना है दोस्तों, सरफराज भाई को लगा है, मेरे सब्सक्राइबर दोस्त जो कुरंगी से हैं, और आपको बताऊं बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों। अभी आते के साथ ही पहला दाना है इतना ज़बरदस्त, और फैज़ान भाई भी मेरे साथ आएँ, और चार पांच और भी दोस्त आएँ, उनसे आपको बाद में सुबह मिलाऊंगा। अभी रात के तकरीबन 12-1 बजे रहे दोस्तों, हम गडानी आएँ, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, तो ज़बरदस्त दाना दोस्तों, और खेलते हैं जो मछली लगेगी फिर आपसे आज शेयर करेंगे। ताज़ा शिकार है दोस्तों, आपको तारीख मैंने बताई, आज जुमरात है, 11 तारीख है, सातवां महीना 2024। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। तो दोस्तों रात गडानी गए थे और हवा बहुत तेज़ थी, कुछ मछलियाँ पकड़ी हैं, वो भी आपके दिख रहे हैं। तो अभी अब चौकी का पूरा जिक्र थोड़ा सा रह गया और तकरीबन पूरा बन चुका है, मैंने पहले भी शेयर कर दिया कि तकरीबन बनने वाला है। अभी सुबह यहाँ से गुजर रहे हैं, और बाकी मामू हो गया, बाकी जितने भी दोस्त आए थे, फैसल भाई हो गए, अवैस हो गया, पुलिस वाले सारे दोस्त यार सब्सक्राइबर, तो वो सारे ना रहे नीचे अब तो क्योंकि देर के अंदर दोस्तों। अच्छा, रिपोर्ट ऐसी है ना दोस्तों, हवा बहुत ज़्यादा तेज थी, और सामने फैसल भाई भी ना रहे, बाइकें वाइकें ये खड़ी हुई हैं। तो रिपोर्ट ऐसी है दोस्तों, हवा बहुत ज़्यादा तेज थी, तकरीबन 15-16 नोट हवा चल रही थी, 15-16 नोट। तो 15-16 नोट हवा बहुत ज़्यादा होती है और मछली लगने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हमने गडानी का प्रोग्राम बनाया था। अभी मैं चलो नीचे जाके वीडियो बनाता हूँ, पानी भी आप दोस्तों को दिखाता हूँ, और बाकी मेरे दोस्त यार सारे नहा रहे हैं, वो भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो अब चूँकि की जो पुल है उसके नीचे अक्सर लोग इस तरह नहाने के लिए आते हैं, तो अभी अवैस भाई लोग भी नहा रहे हैं, मेरे दोस्त यार भी नहा रहे हैं, थोड़ी इनकी भी वीडियो बनाता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। बाकी हवा काफ़ी तेज़ थी दोस्तों, तकरीबन 16-17 नोट हवा चल रही थी रात को। उस तरफ हफ डेम का पानी है दोस्तों, जो आपको यहाँ से देखें होल से होता हुआ नज़र आ रहा है, इस तरह आ रहा है, और इस तरफ जो है आपका जो समंदरी पानी है वो वहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, जो सुनहरा हो गया, सुनहरा मुबारक विलेज, तो वहाँ का पानी इधर आता है, तो इस तरीके से वो पानी इधर आता है, हफ डेम का वहाँ से आता है। ये ऊपर सामने पुल बन रहा है, तकरीबन बन चुका है, थोड़ा सा रह गया है, तो ये पुल भी बनने वाला है, आसानी होगी। तो ये देखें यहाँ पे भी होल बने हुए हैं, और इस तरीके से बड़े स्पीड से पानी आ रहा होगा, ठीक है ना। और बाकी अभी यहाँ पे दोस्त यार सारे नहा रहे, थोड़ा सा ना इंजॉय कर रहे हैं, तो मैंने सोचा ये भी चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। और जो मेन चीज़ है जो बताने की दोस्तों, वो आपको सिर्फ यही है कि हवा बहुत तेज़ थी कल रात को, अचानक प्रोग्राम बन गया, कुछ दोस्त आए थे, सब्सक्राइबर आए थे, काफ़ी दिनों से हो रहे थे कि इमाम भाई चलना है, तो बहरहाल उनके साथ कल मुझे जाना पड़ा, थोड़ा घूम फिर कर आ गए, थोड़ा जहन फ्रेश हो गया, तो कुछ मछलियाँ लगी हैं वो आपसे शेयर भी किए, तो आप लोग वो भी इंजॉय करें। और साथ साथ रिपोर्ट दे रहा हूँ, रिपोर्ट यही है कि दोस्तों अभी जो है ना हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग कोशिश करें फिलहाल शिकार पर मत जाएँ, क्योंकि बांध लगा हुआ है, और बांध में वैसे भी पानी जो है ना मछली कम ही होती है, और मछली है भी बहुत कम, इतनी तेज़ हवा में भी हमने डोर खेली, डोर को रोका, लेकिन मछली नहीं लगी। मछली ना लगने की वजह, काफ़ी कम मछली लगी, उसकी वजह यही है कि मछली है नहीं, क्योंकि बांध है और बांध में मछली कम होती है,
तो मछली में मज़ा नहीं था दोस्तों, बाकी बड़ा मज़ा आया, एंजॉय किया, खाना पीना वीआईपी किया। और रोस्तान में रात को बारिश हो रही थी तो बारिश में हमने एंजॉय किया, तो हदायत विक्ट्री का निशान बना रहे मेरे दोस्त हैं सारे, तो अब चौकी की नहर में नहा रहे फैसल भाई, ये रहे नीचे फैसल भी नहा रहे, और बाकी मेरे दोस्त हैं सारे ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं, वीआईपी तरीके से नहा रहे, तो बड़ा मज़ा करता है। आप अगर दिन में यहाँ पे आएंगे तो आपको कराची के हज़ारों लोग यहाँ पे मिलेंगे नहाते हुए, और यहाँ बलूचिस्तान के भी लोग, अब चौकी के लोग हैं वो भी नहा रहे होते हैं, तो बड़ा मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं वो लोग। तो ये हमारे बिल्डर दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं मेरे, हदायत भाई नाम है, हदायत भाई नहा रहे हैं क्या, ज़बरदस्त पानी है, चलो इंजॉय करो भाई। तो दोस्तों मामला बस यही है कि जब तक हवा तेज़ है तो आपने शिकार पे नहीं जाना है, कोशिश करें तकरीबन जो है ना ये 10 मुहर्रम तक तो आप लोग नहीं जाएं, वैसे भी रोज़े भी हैं, 10 मुहर्रम को रोज़ा भी रखते हैं, इबादत भी है, और वैसे भी दिल नहीं करता, और मांग भी है, 10 मुहर्रम के बाद ही आप लोग शिकार का प्रोग्राम बनाएं, इंशाल्लाह अच्छी मछली आप लोगों को लगेगी। तो ये पूरी डिटेल थी शिकार के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, हफ्तोकी के पुल के हवाले से, हफ्तोकी की नहर के हवाले से, नहाने के हवाले से, इंजॉयमेंट के हवाले से, और शिकार के हवाले से। तो आप लोग इंजॉय करें दोस्तों, की सुबह के 6 बज रहे हैं बस, हम लोग अभी निकलेंगे यहाँ से, और मैंने जितनी डिटेल हो सकती थी सारी आपसे शेयर की है, उम्मीद है आप लोग इंजॉय करेंगे इस चीज़ को, और इसी तरह इंशाल्लाह हर 2-4 दिन के बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम बनता रहेगा, और जो डिटेल होगी फिर मैं आपसे शेयर करता रहूँगा ना, शिकार के हवाले से और फिशिंग पॉइंट के हवाले से। तो आप लोग एक दफ़ा दोबारा पुल को भी देख लें और पानी को भी देख लें, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत पानी है, ग्रीनिश वाटर है, ठीक है ना, साफ सुथरा पानी है दोस्तों। तो पुल भी बन गया तकरीबन, तो दोस्त मेरे बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय करें दोस्तों। अब मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ, ठीक है ना, और इंशाल्लाह 2-4 दिन बाद जो प्रोग्राम बनेगा फिर मैं डिटेल आपसे शेयर करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं वहाँ से